आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे आप एसे में भी पा सकते हैं, फोर्थ पेपर में भी पा सकते हैं, सेकंड में, फर्स्ट में, कहीं भी पा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये पूरे आम आदमी के लिए भी, हम हमारे मित्रों के लिए भी, और जो लोग विभिन्न जगहों पर काम करते हैं, हमारे मित्र मंडली के लोग, हमसे परिचित गैर परिचित जनसाधारण के लिए भी मुझे लगता है जो मैं बातचीत करने जा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग में लेकिन वो ऐसे का पेपर है, स्पेशली जो बच्चों ने इधर हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर अनएम्प्लॉयमेंट पर कुछ बोल दीजिए, किसी ने कहा कि सर करप्शन पर बोल दीजिए, किसी ने कहा कि सर वो इसमें सिटीजन चार्टर पर बोल दीजिए, किसी ने कहा सर डीपीएसपी पर बोल दीजिए। अलग अलग समय पर हम बोलते रहेंगे, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन विभिन्न समस्याओं को फ्रेगमेंटेड और अलग अलग देखने की गलती हम ना करें। तो समस्याएं विराट हैं भारत में, सामाजिक समस्याओं में लें तो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जेंडर इनइक्वलिटी है, दहेज प्रथा है, और इसी तरीके से आर्थिक समस्याओं में लें तो बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब हम पॉलिटिकल क्राइसिस में जाएंगे तो वहाँ पर राजनीतिक समस्याओं में देखेंगे तो राजनेताओं का भ्रष्टाचार है, नौकरशाही का भ्रष्टाचार है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। और यदि हम सांस्कृतिक उसमें जाएंगे तो शिक्षा की समस्या और तमाम समस्याएं, और जब हम प्राकृतिक समस्याओं की तरफ जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं, नदियों का पॉल्यूशन और नदियों का सूखना देखते हैं, हमारी पेरिनियल करेंट्स जो वार्षिक धाराएं थी वो सीजनल में कन्वर्ट हो गई, बहुत सारी तो अपना अस्तित्व ही खो चुकी हैं। तो ये अर्बनाइजेशन की समस्या है, फॉरेस्ट की समस्या है, वन, जल, जंगल, जमीन, इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर सवाल पूछे जाते हैं, और ये इस बात की पड़ताल की जाती है कि बच्चे के अंदर इन चीज़ों को लेकर के कितनी गहन समझ है। तो जब भी हम ऐसे को हैंडल करते हैं तो तीन भागों में उसको बांट लेते हैं। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या कितनी गंभीर है उसको जानना, फिर काजेज ऑफ द प्रॉब्लम कि उस समस्या के कारण क्या है, और फिर हम लिखते हैं निदान, उसके सॉल्यूशंस क्या है। मोटा तीन भागों में बांट देते हैं, कोई भी एडिटोरियल होता है तीन भागों में बटा होता, ना बटा होता आप अपनी तरफ से बांट सकते हैं। लेकिन अब हम बताना चाहते हैं कि ये जो समस्याएं अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं, गरीबी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, धन के गलत तरीके से, संसाधनों के गलत तरीके से वितरण की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, पॉपुलेशन की समस्या है, संप्रदायवाद की समस्या है, बलात्कार, हिंसा, डकैती, जितनी भी समस्याएं हैं। एक कहा जाता है मैन मेड, एक होता है नेचर मेड। देखिए नेचर मेड कोई समस्या नहीं, ग्लोबल वार्मिंग है, नदियों का सूखना है, नदियों का सड़ना है, और कुओं, तालाबों, इन सरोवरों के पानी का सूख जाना है, ये सारे के सारे मैन मेड है। अब इनका डिवीजन ऐसे होना चाहिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट की समस्याएं और नेचुरल एनवायरनमेंट की समस्या। तो इन दोनों के, इन सारी समस्याओं के पीछे का जो कारण है वो मूलतः वैल्यू क्राइसिस के कारण है, मूल्य संकट है, नैतिक मूल्यों की कमी है, द लैक ऑफ द मॉरल वैल्यूज है एक, और दूसरा है इतिहास बोध की कमी, द इग्नोरेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के इग्नोरेंस में हम हिस्ट्री को लेकर के दो बातें कर दें, एक तो बैड और द रॉन्ग नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, गलत और खराब इतिहास की जानकारी, और दूसरा है इग्नोरेंस ऑफ हिस्ट्री। हम वैल्यूज को लेकर के बात करेंगे बाद में, पहले हम इतिहास पर बात कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको ये समझने में थोड़ा सा अभी शुरुआती दौर में संकट आएगा कि इतिहास बोध की कमी हमारी इन समकालीन समस्याओं का कारण कैसे हो सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि भारत की अनेक सामाजिक राजनैतिक खराबियां जो आज दिखाई पड़ रही, संप्रदायवाद का उन्माद दिखाई पड़ रहा है, संकीर्ण राष्ट्रवाद दिखाई पड़ रहा है, और जो लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना दिखाई पड़ रही है, उसका सबका कारण है इतिहास की गलत समझ हमारे मस्तिष्क में घुस गई है। हम राष्ट्रवाद के झंडा बरदार बनने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी इतना प्रयत्न नहीं करते कि राष्ट्रवाद दिन दो संकल्पों से ठीक से मिलकर के बनता है, उनको ठीक से समझने की कोशिश करें। राष्ट्रवाद
ठीक इतिहास की समझ और ठीक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन के निर्माण के बेसिस पर बना होता है। यदि हम किसी भी देश की बात करेंगे तो वह उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य और उसके इतिहास की परंपरा की घमंड का योग जो बनता है वो वहां का राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यदि हमारे इतिहास के विजन को, इतिहास की समझ को खंडित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम अखंड भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। भारत में इतिहास दो लोगों ने ठीक से पढ़ा है, एक अंग्रेजों ने पढ़ा और दूसरा भारत में साम्यवादियों ने पढ़ा, लेकिन दोनों के पढ़ने के पीछे एजेंडा बेस्ड उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी और एजेंडा बेस्ड हिस्ट्री उन्होंने लिखी। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि अंग्रेजों के जमाने में कॉलोनियल रूल में कॉलोनियल पावर ने, हमारी औपनिवेशिक सत्ता ने, अंग्रेजों ने उस एजेंडा बेस्ड हिस्ट्री को सिलेबस में डाल दिया और उसको हमारे यहाँ की नौकरियों के IAS IPS इनके एग्जाम के सिलेबस में डाल दिया। इसलिए भारत के पढ़े लिखे लोगों ने नौकरी पाने की लालसा से इतिहास को पढ़ा और धीरे धीरे इतिहास पॉपुलर हो गया। वो खंडित इतिहास था, वो राष्ट्र की भावना को कमजोर करने का इतिहास था, राष्ट्रीय संकल्पों को कमजोर करने का इतिहास था, हमारे अंदर एक इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स भरने का इतिहास था। वी आर द इन्फीरियर नेशन टू द वेस्टर्न वंस, ये भाव हमारे अंदर भर देने का इतिहास था और इसलिए उस इतिहास के कारण हमारे अंदर एक खास तरीके के खंडित दृष्टि इतिहास को लेकर के पैदा हो गई। हमने अपने इतिहास को संप्रदायों में बांट डाला। जब कभी भी हमको इतिहास की गौरव की बात आई तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात किया, नेशन बिल्डर जितने लोग थे उनमें अकबर का नाम ठीक से नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? इसलिए तो हमारी इतिहास धारा खंडित हो गई है और जब खंडित इतिहास धारा होगी तो इस इतिहास धारा के आधार पर बना हुआ आधुनिक राष्ट्र भी खंडित ही दिखेगा। ये इतिहास दृष्टि की कमी के कारण हुआ। दूसरी बात यह आई कि जब देश आजाद हो गया तो पहले तो हम नॉन अलाइनमेंट का फार्मूला फॉलो करते रहे, लेकिन जल्दी ही हमारा नॉन अलाइनमेंट का संकल्प टूट गया। इंदिरा जी ने रूस के साथ जो है स्ट्रेटजिक और फ्रेंडशिप की ड्यूटी कर डाली और 1965-66 के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के जाने के बाद हमारा जो वो था इंक्लाइनेशन था वो सोशलिज्म माने रूस की तरफ ज्यादा हो गया और भारत में साम्यवादियों के बनाए हुए इतिहास को भी हमारे संस्थाओं में पढ़ाया जाने लगा और फिर से वो भारतवर्ष की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सिलेबस बन गया। तो साम्यवादियों का इतिहास जो है वो दूसरे तरीके के एजेंडा को लेकर के लिखा गया है और वो है भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को नीचा दिखाने का। पढ़ा दोनों लोगों ने ठीक से इतिहास। अब बात आई कि तीसरे लोग जो अपने को दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी कहते हैं, इनके साथ समस्या हो गई कि इन्होंने इतिहास को ठीक से पढ़ा नहीं। जो इतिहास ग्रंथ देखिए किस तरीके से हमारा राष्ट्रवादी संकल्प दोनों धड़ों में बट करके कमजोर हो गया है, ये बड़ी बारीक सी समझने की बात है कि जो हमारे इतिहास ग्रंथ थे उनका मजाक अंग्रेजों और वामपंथियों ने धार्मिक ग्रंथ करके मनाया और हम दक्षिण पंथियों ने माने राष्ट्रवादी जो अपने को कहते हैं उन लोगों ने उन्हीं धर्म ग्रंथों को पूजना चालू कर दिया। तो किस तरीके से और उनकी सराहना करना या उनकी आदर पुस्तकों का होता है उनको पढ़ने से। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सारे के सारे जो हैं इतिहास ग्रंथ से बड़े भरे पड़े। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त तो उतना ही विज्ञान है जितना कोई और विज्ञान हो सकता है, लेकिन अब एक तरीके के लोगों ने था इतिहास को पढ़ा इसलिए उसे खास तरीके की बात को निकाल करके और भारत को नीचा दिखाने का उपक्रम कर दिया जाए। दूसरे लोगों ने क्या किया कि उन्हीं पुस्तकों पर फूलमाला चढ़ा करके अगरबत्ती से उसकी पूजा करके उनको लगा कि यही हमारा संकल्प पूरा हो जाता है, तो उनका इग्नोरेंस हिस्ट्री के प्रति हो गया। उन्होंने ऐसे ऐसे नायकों के प्रति ऐसे ऐसे गीत गा डाले, उन्हें गीतों को इतिहास बना दिया कि आधुनिक समय में एक समग्र भारत को खड़ा करना एक मुसीबत हो गया। इसी खंडित इतिहास दृष्टि का ये परिणाम निकला है कि आप बौद्ध को, जैन को, सिख को एक अलग सांप्रदायिक मान लेने पर या उनको अलग संप्रदाय मान लेते हैं, ये कितना ही गलत इतिहास की दृष्टि बनती है। जिन बौद्ध ने, जिन महावीर स्वामी ने भारत के अंदर वैदिक परंपरा के संहिता परंपरा में जो ब्राह्मणों के कारण कर्म कांड आ गए थे उनके विरोध में स्वर खड़े किए और जिन्होंने पूरण पक्ति को, पुरानी प्रकृति को, वैदिक परंपरा को समाज के बीच में स्थापित करने का काम किया, उन्हीं को अलग संप्रदाय बना दिया। और मजेदार बात रही कि उनके संप्रदाय मानने वालों ने उन्हीं चीजों को, उन कर्मकांडों को फिर से स्थापित कर दिया जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी।
गुरु नानक की वाणी किसी दूसरे देश में कभी खिल ही नहीं सकती थी, जहाँ की मनुष्यों में, जहाँ की साधारण जनता में एकेश्वरवाद की भावना या शब्द को ईश्वर मानने की भावना नहीं रहती, निराकार की उपासना का कांसेप्ट नहीं होता, वहाँ गुरु नानक की वाणी को इतनी सफलतापूर्वक स्थापित करने का कोई प्रयास हो ही नहीं सकता था। और जिसमें जिसके ग्रंथ में 1000 बार से ज़्यादा राम का नाम आया है, उसे हम अलग से संप्रदाय मानने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस खंडित दृष्टि ने, इतिहास के प्रति खंडित दृष्टि ने हमें भारत की सांस्कृतिक धारा को खंड खंड देखने का एक ऐसा भाव दे दिया जिसे हम सहज रूप से स्वीकार करते हैं। तो ये इतिहास की दृष्टि ने हमको इतिहास को काट दिया। इसी तरीके से आप देखें कि प्राचीन काल का इतिहास है, मध्यकाल का इतिहास है। अब मध्यकाल के इतिहास में औरंगजेब के द्वारा की गई कमियों को हम इस्लाम की कमियां मानते हैं, और प्राचीन काल में बिम्बिसार के द्वारा या अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता, उदयन अपने पिता की गद्दी पर बैठता है, तो वो राजाओं की कुप्रवृत्तियां हैं। लेकिन औरंगजेब शाहजहां को जेल में डाल देता है, और तो वो जो है वो उसकी इस्लामिक गलती है या मुसलमान की गलती है। ये राजाओं के चरित्र को एक जैसे आईने से देखने की जरूरत है, उनको मजहबी आईने से देखने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को मजहब पर बांट दिया, और हमने उस इतिहास को स्वीकार करते हुए भारत की सांस्कृतिक एकनिष्ठ धारा को मजहब में खंड खंड करके आधुनिक भारत को खंड खंड करने का एक इंस्ट्रूमेंट हम बन गए हैं जाने अनजाने में। तो इतिहास की दृष्टि जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक हम एक भारत के जो अलग अलग खंडित, जो सांप्रदायिक समस्याएं हैं, जो धर्मगत समस्याएं हैं, जो जातिगत संप्रदाय हैं, जो पांथिक समस्याएं हैं, जो नेशंस विद इन द नेशन की समस्या है कि माने राष्ट्र के अंदर राष्ट्रों का जन्म हो गया है, लोग अपने अपने प्रांतों को लेकर के बहुत उन्मादी हो जाते हैं, हम समग्र भारत को कभी लिए खड़े नहीं होते हैं, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, इसके लिए कभी कोई नहीं खड़ा होता है। जब भारत की मांग होती है तो कहते हैं ये कट्टरपंथी हिंदू लोग हैं, ऐसी मांग कर रहे हैं। लेकिन जब कभी कलकत्ता को कोलकाता करने की मांग होती है और वो स्वीकार कर ली जाती है, बॉम्बे को मुंबई करने की बात स्वीकार कर ली जाती है, मद्रास को चेन्नई की बात स्वीकार कर ली जाती है, ओडिशा को ओडिशा कहने की बात स्वीकार कर ली जाती है, और उनके प्रति हम सहानुभूत रखते हुए कहते हैं कि उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। लेकिन यही बात जब हम इंडिया को भारत कहने के लिए खड़े होते हैं तो लोग कह देते हैं कट्टरपंथी, ये ट्रेडिशनलिस्ट लोग हैं। तो ये जो भाव हमारे अंदर आया है, ये वाकई में खंडित इतिहास दृष्टि के कारण है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, वैल्यूज की बात। अब जो वैल्यूज की बात करें तो आप ये ध्यान रखें कि राजनेता हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जहां कहीं व्यापारी हैं, मार्केट चला रहा, कंज्यूमरिज्म का जमाना है, और इन समस्याओं के पीछे वह हमारी प्रवृत्ति बन गई है, जिस प्रवृत्ति के चलते इन सारे इज्म को, इन सारी बुराइयों को पनपने का हम अवसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में गांधी नहीं है, लेकिन हम गांधी के सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट नहीं दे रहे। उसकी वजह क्या है? लैक इन वैल्यूज, हमारी जो मूल्यों में ह्रास आया है, हमारे पारिवारिक मूल्यों में, सामाजिक मूल्यों में। ध्यान रखने की बात यह है कि परिवार और समाज के मूल्यों को शासन सत्ता के अनेक अवयवों को संचालित करना चाहिए, उसी से संचालित होनी चाहिए हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसी से संचालित होनी चाहिए हमारी राजनीतिक व्यवस्था, उसी से संचालित होनी चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था, उसी से संचालित होनी चाहिए हमारे और तमाम सारे जो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन वो ये रहा है कि अब ये जो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे परिवार के संस्कार डिसाइड कर रहे हैं, वो हमारे समाज के मूल्य डिसाइड कर रहे हैं। और हो ये रहा है कि जैसे कि हम सोचे कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दें, सोचे कि अपने बीच से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दें, सोचे कि हम अपने बीच से गरीबी को खत्म कर दें, हम सोचे कि अपने बीच से गंगा को हम साफ कर ले जाएंगे, तो ये जब तक हम अपने नैतिक मूल्यों को ठीक से स्थापित नहीं करेंगे, तब तक ये प्रयास वैसा ही होगा जैसे ओवरहेड टैंक में, जैसे कि पानी की टंकी में पानी खराब हो, उसमें हम जहर घोल दें और फिर टेप से जब पानी निकालें तो उस पानी को साफ करने का प्रयास करें, टेप को धोएं बार बार, तो हम जब तक ओवरहेड टैंक में भरे हुए पानी को, माने स्रोत को जब तक ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम सप्लाई एंड पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सारे प्रयास विफल ही होंगे। और आप कहने की जरूरत नहीं है कि देर हो जाएगी, नहीं, देर हो गई है। यदि इस तरीके से मूल्यों को सुधार करके हमने इन संस्थाओं पर
पकड़ नहीं बनाई और इन संस्थाओं को सुधरने के लिए विवश नहीं किया, तो इन संस्थाओं की तरफ देखते हुए कि भारत की समस्याओं से निदान कर देंगे तो ऐसा असंभव है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे दलदल में आप डूब रहे हो, धंस रहे हो और एनाकोंडा को पकड़ करके आप सोचे कि निकलेंगे, तो निश्चित रूप से वह एक असंभव काम है। एनाकोंडा आपको निकलने में नहीं, आपको मारने और लीलने का काम करेगा। ये आज के जो आधुनिक उपकरण हैं, ये जब आपके जीवन को सुखमय डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, जब ये संस्थाएं आपके जीवन की विकास की बात करती हैं, तो ध्यान रखने की बात है कि डेवलपमेंट इज नॉट सर्टेनली मोर देन मियर इकोनॉमिक्स। जो विकास है वो नितांत अर्थतंत्र के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसके सॉल्यूशंस की बात ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो बहुत हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें हम जरूर कर लेते हैं, उसे इंगित के तौर पर मान लिया जाए, डिटेल हम अलग अलग समय पर करते रहेंगे। तो हमारा ये मानना है कि इन सबके मूल में है शिक्षा में सुधार। भारतवर्ष में जब तक शिक्षा को करियर से जोड़ा जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा, तब तक भारत के किसी और व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात होनी चाहिए। इसके लिए हम बहुत शॉर्टकट बता देते हैं कि पहले तो ये निर्णय, एक इसमें इमरजेंसी काल की जरूरत है पार्लियामेंट में, कि निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दलों को, सारी और संस्थाओं को इकट्ठा करके एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और निश्चित रूप से इसमें ये कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहला जो प्रयास हो वो डबल लेयर एजुकेशन खत्म कर दिया जाए। डबल लेयर एजुकेशन, या तो आप कहें कि पूरी शिक्षा सरकार देगी, या कहें कि पूरी शिक्षा जो है वो प्राइवेट हैंड में होगी। चाहे सरकार दे तो सारी शिक्षा सरकार दे, और ये प्राइवेट हैंड में चली जाए तो पूरी शिक्षा प्राइवेट हैंड में चली जाए। भारत का इतिहास गवाह है, सरकारों ने कभी शिक्षा नहीं दी है लेकिन कंट्रोल किया है। तो उसी तरीके से आज भी एक ये पॉलिटिकल राजनीति निरपेक्ष एक सघन आयोग बनाने की आवश्यकता है, जो केंद्रीय आयोग हो, राज्यों पर उसका विस्तार हो, उसमें भारतवर्ष के शिक्षाविद, जुडिशरी और तमाम सारे जर्नलिस्ट, बड़े बड़े लोगों से मिलकर के एक पॉलिसी बनाई जाए। प्राइमरी एजुकेशन 100% वर्नाकुलर्स में होनी चाहिए, उसके बाद तक की इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन अपने अपने स्वभाव से दिया जाए, उसकी नींव बना दी जाए। इंटरमीडिएट के बाद की शिक्षा को प्रतियोगिता से पूरी तरीके से काट दिया जाए। हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम एजुकेशन जो हो वही न्यूनतम एजुकेशन भी हो, और वो होना चाहिए इंटरमीडिएट। आईएएस से लेकर के पीसीएस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एमबीए, कहीं भी जाने के लिए एजुकेशन जो मिनिमम रखी जाए वो इंटरमीडिएट तक की होनी चाहिए, और वही मैक्सिमम भी होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनकी बहुत कठिन परीक्षा होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, और उनके साथ ये कंडीशन लगा देनी चाहिए कि यदि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक और परास्नातक और उसके बाद रिसर्च के लिए आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से वह आप समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए करेंगे। यूं ही केवल आप शिक्षित होकर के अपने समय को खराब नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट तक की ही एजुकेशन को सारे कंपटीशन, और उसके साथ ही साथ जैसे हम इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे आईएएस रिफॉर्म्स को लेकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातें फाइनल हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरी सारी बातें सच है, इनमें आप अपना सच जोड़ सकते हैं। इनमें हम भी, जब मेरा एक्सपोजर ज्यादा होगा, कहीं ऐसा हो सकता है कि मुझे ज्यादा जानने का अवसर मिले तो मैं अपने में भी सुधार करूंगा, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे आईएएस को 18 साल की उम्र में ही आईएएस की परीक्षा देने की उम्र होनी चाहिए, लेकिन प्रोबेशन 5 साल का होना चाहिए, उसमें 1 साल का एकेडमिक प्रोबेशन होना चाहिए और 4 साल की फील्ड पोस्टिंग होनी चाहिए, जिससे 4 साल में फील्ड पोस्टिंग में 2 साल की कंपलसरी जो है वो कंट्री एरिया में होनी चाहिए, जिसमें वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हेल्थ सेंटर तक की निगरानी करे और वहां पर वो अपने एक्सपीरियंस पाए, जिससे वो जब बड़े पदों पर पहुंचे तो उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहरों से पढ़े हुए बच्चे केवल रट करके अपने विषय को जान करके परीक्षा पास कर लेते हैं और फिर सीधे बड़े पद पर बैठ जाते हैं। भारत को जाने बगैर भारत का इलाज संभव नहीं है, और भारत को जन्माने का तरीका इसके प्रोबेशन को लंबा करना है। 18वीं के बाद ही
आईएएस, और जब परीक्षा में बदलाव किया जाए तो आईएएस लेकर के पीसीएस, एसएससी माने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम, और ये सारे एग्जाम मल्टीपल एग्जामिनेशन जो कराए जाते हैं वो खत्म कर देना चाहिए। इसके बदले में एक एग्जाम कराया जाना चाहिए सिविल सर्विसेज के लेकर के, और अलग अलग चरण से क्वालिफिकेशन फिक्स कर देना चाहिए। प्रीलिम पास करने के बाद उनको एसएससी और सेक्रेटरिएट और इसमें परीक्षा में भेजा जाना चाहिए। प्रोविंशियल सर्विसेज को इसी में अकोमोडेट करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। हर प्रदेश की परीक्षाएं हमारे यूपीएससी की परीक्षाओं के साथ ही समाहित कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये बहुत ज्यादा इसमें भेद ना रहे, स्टैंडर्ड्स के भेद ना रहे, और जो प्रोविंशियल आयोग हैं उनको उस यूपीएससी के साथ एग्जामिनेशन के साथ अलाइनमेंट के साथ काम करना चाहिए, सहायक के रूप में काम करना चाहिए। इस तरीके से भारत का एक फेडरल स्ट्रक्चर, जो निश्चित रूप से भारत के विशाल आकार और विशाल जनसंख्या के सापेक्ष है, तो इस तरीके से सिविल सर्विसेज का बेहतर निर्माण हो पाएगा। चूंकि ये बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इनमें बहुत सघन चर्चा की जरूरत है, तो कभी ब्यूरोक्रेसी के सुधार पर अकेले हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि डबल लेयर एजुकेशन को समाप्त किए बगैर, और दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में ठीक से नीति बनाए बगैर यदि इसी तरीके से मार्केट के हवाले एजुकेशन बना रहता है, तो 100% भारत की किसी भी समस्या का निदान हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा। वो फ्रेगमेंटेड अटेम्प्ट होगा, और भारत लगातार माने कि पॉलिटिकल पार्टीज में के सहारे कि एक नेता आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1947 को जो डेट है वो केवल एक हमारे लिए तिथि बन जाएगी, जब तक सत्ता में बैठे हुए लोगों के इन मूल्यों पर बदलाव नहीं आएंगे कि वही इतिहास जो पहले पढ़ाया जाता था कमोबेश वैसा इतिहास बाद में पढ़ाया गया, वही संस्थाएं जो पहले काम करती थी वही संस्थाएं लगातार बाद में काम करती रहीं, तो इससे सत्ता की चमड़ी का रंग बदला है लेकिन स्वभाव नहीं बदला है। तो और जो शिक्षा नीति है उसको माने मेरे दिमाग में ये सोल्यूशन है कि भारत की समस्त समस्याओं का मूल जो है वो गलत एजुकेशन पॉलिसी है, और उसी के कारण हमारे पास वैल्यू का अभाव है, और उसी के कारण हमारी हिस्ट्री के को लेकर के जो समझ है वो डिस्टॉर्टेड है। और जब तक हमारा जीवन वैल्यू बेस्ड नहीं होगा, और जब तक हमारी इतिहास की समझ सुसंस्कृत और वैज्ञानिक नहीं होगी, तब तक हम भारत के किसी भी दशा का और किसी भी समस्या का निदान ठीक से नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन बातों को, बहुत सारी बातों के एक साथ रखने के कारण कम्युनिकेबिलिटी में हो सकता है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से इन समस्याओं को सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी सोल्यूशन इसमें और इनके व्यापक इंटरप्रिटेशन के साथ दिखाई पड़ेंगे, और इनमें जो अलग अलग टॉपिक्स हैं इन पर जब अलग अलग हम वीडियो रिलीज करेंगे तो आप समग्रता में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपके मन में समस्या के मूल में जाने का एक प्रेरक एक उत्तेजना पैदा कर दी है, और इसी के सहारे आप आगे का समस्याओं को लेकर के जड़ में जाने के स्वभाव को निर्मित कर पाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।